लालू की पार्टी पर जमकर बरसे मांझी। जी हाँ, वही जीतन राम मांझी, कभी बिहार के जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, और उन्होंने जमकर निशाना साधा है एनडीए और महागठबंधन दोनों पर। दोनों को ठगने का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम ने साफ कहा है कि आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में उनके साथ न्याय नहीं किया है। मांझी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो 2020 में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन का हिस्सा रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने सहयोगी लालू यादव की पार्टी आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। मांझी ने बड़ा आरोप लगाते हुए दो टूक कहा कि उन्हें हमेशा ही ठगा जाता है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले मैदान में उतर सकती है। यहाँ मांझी काफी उदास भी नजर आए, उनका दर्द भी छलका। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी नीत महागठबंधन ने लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के साथ ठीक नहीं किया है। इस दौरान पूर्व सीएम ने साफ कहा कि आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में उनके साथ न्याय नहीं किया। मांझी ने आगे कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से दबाव है, हम सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़े। इसके पीछे तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि पहले एनडीए और अब महागठबंधन, दोनों ने हमें कम करके आंका है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर हम सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़कर अपने दमखम को दिखाएंगे। बता दें कि इससे पहले बिहार एनडीए में शामिल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने झारखंड में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उहापोह को देखते हुए जेडीयू यहां बीजेपी के मुकाबले बेहतर विकल्प के रूप में उभरने की तैयारी में है, और इसी बीच में बिगुल फूंक दिया है मांझी ने। तो क्या होगा मांझी का, और क्या मांझी वाकई में 2020 में अकेले चुनाव लड़कर परचम लहरा पाएंगे, इस पर दीजिए अपनी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।